गाइस वेलकम टू अ न्यू डे। आज ट्यूसडे है और वीकेंड को मैं मैसूर गया हुआ था। सैटरडे गया था मैसूर और संडे शाम में वापस आ गया था। खैर उसका एक अलग व्लॉग बनाया है, वो बाद में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल तो मैं निकला हूँ अपने घर से। अभी शाम का टाइम हो रहा है, करीब 6:30 बज रहा है और यहाँ पास में ही मेरा एक दोस्त रहता है इन्फोसिस का। इन्फोसिस का दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त है लेकिन इन्फोसिस में काम करता था मेरे साथ। पास में ही है, 1.5 किलोमीटर पैदल ही जा रहा हूँ। और ये ऐसा कुछ दिख रहा है नज़ारा। फिर उसके बाद हम एक ऐसी जगह गए जहाँ मैं 5-6 साल से गया ही नहीं था। दिल्ली में तो जाते नहीं है, सोचा यहीं आ जाते। तो भैया उस दिन दोस्त का इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं था, तो अगले दिन हम फिर उसके घर चले गए। क्या हाल है? और उसका घर देखने में काफी सुंदर है। यहाँ हरे पौधे, चमकीली लाइटें और खूबसूरत तस्वीरें सब आपको देखने को मिलेगा। और उसी दिन हम बाहर खाने भी गए। पास ही में एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। दिस गाय ओवर हियर, ही इज सचिन। ये मेरा रूममेट है, ये भी राघव। हम लोग सब साथ में ही रहते थे। ये महिमा, ये भी सचिन की दोस्त है। खाना खाएंगे यहाँ पे और देखते हैं फिर जैसा माहौल बनता है। 50-50 रुपए देश ने हम सबको बोला है कि भाई फ्री में खाना खा रहा है हमारे साथ। तो अभी तक तो हम अपने घर के आसपास ही घूम रहे थे, लेकिन क्या है ना कि हमें थोड़ा एक्सप्लोर करने वाली आदत है। तो फिर एक्सप्लोर करने के लिए हम थोड़ा दूर चले गए थे MG रोड, जहाँ पे हमें एक बुक स्टोर भी जाना था जो कि बेंगलोर में काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी हम आ चुके हैं ब्लॉसम बुक स्टोर, और अभी मैं इतना धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये एक बुक स्टोर है और यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ नहीं करना है। और काफ़ी अच्छा बुक स्टोर है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट की किताबें आपको मिलेंगी, हिस्ट्री से लेकर साइंस से लेकर आर्ट से लेकर साइकोलॉजी से लेकर फ़िलासफ़ी से लेकर हर चीज़ की किताबें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और काफ़ी बड़ा बुक स्टोर है ये, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बुक स्टोर्स इन बेंगलोर। और काफ़ी सारे टाइटल्स आपको मिलेंगे। हालांकि मैं जो बुक ढूंढ रहा था वो तो मेरे को मिली नहीं, बट ये बुक मेरे को मिली है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो अभी मैं ये एक देख रहा हूँ, ख़रीदूँगा, और इसके अलावा और कोई मिलता है तो वो भी देखता हूँ कुछ बढ़िया मिलता है कि नहीं। किताबें ऐसी हैं जो आपको दूसरे पब्लिशर की मिलेंगी, फॉरेन पब्लिशर की, और कुछ इंडियन पब्लिशर्स की मिलेंगी। और प्राइसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा क्योंकि फॉरेन पब्लिशर वाली यूजुअली महंगी होती है। और ये वाली जैसे किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, इसको मैंने फॉरेन पब्लिशर वाली एडिशन देखी थी, उसमें वो 120 की थी और ये 100 रुपये की है। तो कंटेंट दोनों में सेम ही रहता है। तो अभी मैंने फ़िलहाल ये 2 किताबें ख़रीदी हैं। यहाँ पे यूज़ वाली किताबें भी मिलती हैं जो अमेज़ॉन के रेट से थोड़ी सस्ती मिल जाती है, उनको भी देख सकते हो आप। तो जैसे कि यही वाला मैं कह रहा था, ये दोनों टाइटल सेम है बट ये फॉरेन पब्लिशर की है और ये वाली इंडियन पब्लिशर की है, तो ये वाली थोड़ी सस्ती है जबकि ये नई लग रही है। वाह क्या बात है।
ऐसा कुछ नज़ारा है ये चर्च स्ट्रीट का। हम आए तो थे दिन में लेकिन निकलते टाइम रात हो गई है, पूरा अंधेरा हो गया है भाई साहब, पता ही नहीं लगा कि कितना टाइम हो गया बुक स्टोर में, 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। और यहाँ पे ऊपर मेट्रो है और नीचे लोग। फिर अगले दिन हम राघव के घर गए और शाम की शुरुआत हमने गोलगप्पे से करी। और आखिरी दिन मैं गया मान्यता टेक पार्क, जो कि हमारे घर के पास ही था। और टेक पार्क है तो वहाँ पे बड़ी बड़े ऑफिसेज भी होंगे, मौसम भी काफ़ी बढ़िया था तो टहलने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। पैरों की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी लेकिन फिर भी मैं टहल रहा था, क्योंकि टहलने में जो आनंद आता है वो पैरों का दर्द क्या कोई भी दर्द भुला देता है। तो यही सफ़र था हमारा बेंगलोर का, और इस सफ़र को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है, और जो भी मेरा अनुभव था उसको मैंने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इससे सपोर्ट मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और सफ़र में, तब तक के लिए घूमते रहिए, फिरते रहिए, टहलते रहिए और कीप वॉन्डरिंग। चले नहीं अंदर जाते हुए, हाँ तो चलना, चलो वीडियो मोड उसमें कर देना। तो भैया अभी हम निकले हैं कैफे अजोर के लिए, है ना? जोरी नाम है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर। आईटी वाले लोग हैं, इससे बेहतर कैफे तो ढूंढ नहीं सकते, है ना? AWS कैफे नहीं है बस यहाँ पे। हाँ।